आज हम आपका गाड़ी का जो एसी जब रेडी होता है, जिसका एसी जिसका एकदम फिटेड है, हम उसकी कूलिंग चेक करेंगे। कैसे कूलिंग चेक करते हैं, कितनी होनी चाहिए, यानी जो गाड़ी का इनर टेम्परेचर है, कूलिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लोअर और हाई कितना होना चाहिए। तो ये देखिए, अभी हमने गाड़ी को आइडल में रखा हुआ है। ये देखिए, पहली बार इसका 1000 के आरपीएम है लगभग। बाद में ये फैन देखिए 4 पे है, एसी ऑन है, वेंटिलेटर ऑन है, वेंटिलेटर ऑफ है। हमने सबसे पहले जब एसी लगाना है, ये वेंटिलेटर यहाँ रखना है, यहाँ नहीं रखना। यहाँ रखेंगे तो हमारा एसी जो है प्रॉपर काम नहीं करेगा। ये देखिए इसका पोजीशन, इसको यहाँ रखना है। ये कहाँ रखा है इसकी आपकी मर्जी है। अभी हमने हमारा मीटर लगाया हुआ है यहाँ एयर फ्लो में। देखिए हमारा जो आइडल में गाड़ी स्टार्ट है, आइडल में हमारा 8.5 दे रहा है। लेकिन ये देखिए सन है, पूरा सूर्य है, पूरा गाड़ी धूप में खड़ा है। ये देखिए सनराइज फुल है, तो गाड़ी धूप में खड़ा है। तो अभी हमारा इनर जो टेम्परेचर है, देखिए 7.6 तक आ जाता है, लोअर 6। और जब ऑन रोड गाड़ी होगी तो ये 4 पे आ जाएगा, 4.5-3 ऐसा। अभी ये तो हो गया हमारा एसी का जो, जैसे इसका लो। बाद में गाड़ी के अंदर जो टेम्परेचर है कितना चाहिए, ये देखिए हमने इसको बाहर निकाला। अभी इसको हमने पकड़ा, इसको हम हीट कर रहे हैं अभी अपना हाथ से। देखिए इसका अंदर का जो इनर टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जैसे हम घर में एसी लगाते हैं, आप कितना पे रखते हैं आपको मालूम है, 22, 18, 16 ऐसा रखते हैं हम, जो रूम का एसी होता है। तो ये भी पता चल जाएगा हमें कितना है। देखिए अभी बढ़ रहा है, ये मैंने पकड़ा हुआ है इसको, ये तो मैं हाथ से बढ़ा रहा हूँ ना इसको, अभी हाथ से बढ़ा रहा हूँ। देखिए ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, 20 तक चला गया। ये देखिए मैंने हाथ से इसको बढ़ाया हुआ है, 20 तक चला गया, 20, 21। अभी हमने इसको यहाँ रख दिया, यहाँ कहीं भी रख देता हूँ। देखिए ये जो हमारा आइडल पे गाड़ी है और हमारा कैबिन पूरा हीट है, देखिए धूप है, ग्लास हीट है, गाड़ी खड़ा हुआ है। जब गाड़ी ऑन रोड जाएगा तो हमारा कैबिन भी ठंडा होएगा और गाड़ी का रेडिएटर कंडेंसर भी ठंडा होएगा, उससे गाड़ी क्या है और ठंडी होएगी। जैसे अभी 20 है, ये 16, 18, 16, 15, 14 ऐसा रहता है गाड़ी का इनर टेम्परेचर जो है, 14, 15, 16, जो 20 तक है वो सही है।
देखिए 20 तक अभी है, ये चिल्ड है, मेरा हाथ सुन्न हो रहा है यहाँ, जहाँ हम उल्टा हाथ लगा के चेक करना है ऐसा नहीं करना, ऐसा चेक करेंगे सबको चेक करना है, ऐसा इसको भी चेक करना, इसको भी चेक करना है। जो फोर विंडो है, फोर विंडो का जो जो चिल्ड का जो रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए। हाँ, एयर फ्लो का कोई टेंशन नहीं होता, एयर कम ज़्यादा होगी, ये दो में ज़्यादा होगी, साइड वाले में एयर कम होगी, लेकिन जो चिल्ड का जो है वो उल्टा हाथ से चेक करना होता है हमें, तो हमें चिल्ड लगना चाहिए, एयर कम होनी चाहिए लेकिन चिल्ड होनी चाहिए, बर्फीली हवा होनी चाहिए। तो हवा ज़्यादा से कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हवा आएगी तो ज़्यादा एसी काम करेगा, हवा कम हो तो लेकिन चिल्ड हो, बर्फीली हवा हो तो हमारा क्या है उससे एसी प्रॉपर काम करेगा। हमने मीटर भी लगाया है, देखिए 19 आ गया, ठीक है। अभी ये गाड़ी खड़ी है, देखिए गाड़ी चल नहीं रही है, ऑन रोड नहीं है, ये देखिए ये गाड़ी खड़ी है, और जब रोड पे जाएगी ये 14-12 ऐसा हो जाएगा इसका। तो ये इसको हम लोग चेक करने के लिए 200 रुपया लेते हैं। तो किसी भाई का अगर एसी चेक करवाना, उसकी गैस कितनी है, क्वालिटी, इनर आउटर टेम्परेचर कितना है, तो ये देखिए ये बाहर पड़ा हमारा गैस, ये गाड़ी का केबिन का है, यानी अब यहाँ कहीं भी रख दो इसको केबिन में, अभी ये पूरा केबिन का टेम्परेचर है, ये देखिए हमने इसको सेंटर में पकड़ा है, ये धूप है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये पीछे देखिए धूप नहीं है, इस एरिया में धूप है गाड़ी में, फ्रंट में दो जो सीट है उसमें धूप है तो पीछे नहीं है, तो हमने यहाँ इसको फ्रंट में पकड़ा हुआ है, ये देखिए टेम्परेचर। तो ये गाड़ी का इनर टेम्परेचर है जो धूप में, जैसे हम कहीं ट्रैफिक में फंस गए तो उसमें चेक करने के लिए, इसमें क्या होता है फिल्टर चोक हो जाता है, आपका कंप्रेसर वीक हो जाता है, कंडेंसर चोक है, तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास टेस्टर है, हम इसे चेक करके आपको बता देंगे। मैनुअल भी हम चेक करना आपको बताया, और हमारे पास टेस्टर है इससे भी हमने चेक करवाया। और जो इनर टेम्परेचर है ये देखिए, यहाँ हमने लगा दिया, ये देखिए ये इसका इनर टेम्परेचर है, अभी देखिए कम हो जाएगा फिर से, ये देखिए कम हो रहा है, जो आउटफ्लो विंडो है ये देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है फिर से। तो विंडो में चिल्ड हवा निकलेगी, लेकिन कार का केबिन रूम हमारा बड़ा है, जैसे आप घर में एसी लगाते हैं वही सेम है, कोई छोटा एसी लगा लेगा, कोई छोटा कंप्रेसर लगा लेगा, छोटा कंप्रेसर जुगाड़ करके लगा लेंगे, तो फिर ये हमारा गाड़ी का केबिन के हिसाब से कंप्रेसर एसी होता है, जैसे टन के हिसाब से 1 टन 1.5 टन 2 टन का एसी होता है, वैसे हमारे कंप्रेसर की कैपेसिटी, कंडेंसर की कैपेसिटी केबिन के हिसाब से होती है। जुगाड़ करके हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन बाद में फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमने आपको बताया कि ये देखिए एक गाड़ी देखो आइडल में है, 1000 RPM है, कोई मालूम नहीं है इंजन स्टार्ट है नहीं स्टार्ट है, गाड़ी को कुछ मालूम नहीं है कि एसी लगा हुआ है। तो अगर हमारा एसी चोक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखिए सिंपली ये देखिए पूरा टेम्परेचर डाउन हो गया, 9 पे आ रहा है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम अभी बंद कर रहे हैं। तो ये लो टेम्परेचर हमारा 5-6 तक आ जाता है ऑन रोड। तो अगर किसी को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना सर। ओके जी, नमस्कार, थैंक यू।